छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और किशन रेड्डी से मुलाकात की। संस्कृति मंत्रालय में ये मुलाकात हुई, दोनों में राज्य के मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई है। तस्वीरें आप इस मुलाकात की देख रहे हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का दिल्ली दौरा, पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली दौरे पर हैं, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की है उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान, दोनों के बीच ही राज्य के मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इंदौर में नौकर ने मालिक को 8 लाख का चूना लगाया है। नौकर की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मालिक ने स्कूटी की डिक्की में 8 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। मालिक ने चाय लाने के लिए नौकर को स्कूटी की चाबी दी, नौकर ने डिक्की से पूरी रकम निकाली और फरार हो गया। यही नहीं, 24 घंटे बाद मालिक को फोन लगाया और अरविंदो में स्कूटी खड़ी करने की जानकारी भी दी। आरोपी संदीप यूपी के बस्ती का रहने वाला है, जबकि व्यापारी पंकज कि गांधीनगर इलाके में बर्तन बनाने की फैक्ट्री है। तो 8 लाख रुपए का यहां चूना नौकर ने मालिक को लगाया है। संदीप जिसका नाम है वो यूपी के बस्ती का रहने वाला है। कल मैं अपने फैक्ट्री पर ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे अकाउंटेंट साहब साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उसको एक हमारी एक फैक्ट्री और है दूसरी, मैंने उसको वहाँ स्टिकर के लिए भेजा कि वहाँ स्टिकर ले आओ जाके, और इतने में मैंने बोला एक काम कर चाय भी लेती हूँ आना, चाबी मैंने उसको दी थी और मैं मतलब सीए से बात करने में लगा, अपने अकाउंटेंट से बात करने में लगा, और इतने में वो अपनी उसने चाबी उठाई और वो गाड़ी लेके गया, चाय लेने गया, तो अभी तक आया ही नहीं है वो। सुबह 6 बजे फ़ोन आया उसका, उसी लड़के का फ़ोन आया सुबह 6 बजे कि बोले मैं अभी ये अरविंदो पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और आप आना आके आप आ जाइए। सुबह 6 बजे हम गए कार से, वहाँ गाड़ी खड़ी मिल गई हमको, लड़का था नहीं देखा आपने? हाँ, पूरा सर्च करा, वहाँ पूछताछ भी करी, पूछताछ केंद्र है ना वहाँ पर, वहाँ पूछताछ भी करी थी हमने। अच्छा, समझ उसमें 8 लाख से ऊपर समथिंग अमाउंट है। थाने गया था मैं कल शाम को 4 बजे, थाने भी चला गया था 4-5 बजे के लगभग, तो हाँ सब दे दिया है, सब कर दिया है, सब कार्रवाई कर रहे हैं, वो लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं बात खंडवा की, जहां पार्षदों ने किया है अनोखा प्रदर्शन। पार्षदों ने कटोरा लेकर भीख मांगी है, नगर निगम में फिजूल खर्ची का विरोध किया है, नगर निगम पर लगाए करप्शन के आरोप, नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में धरना दिया गया। तो ये कटोरा लेकर जो भीख मांग रहे हैं वो दरअसल प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। ये कांग्रेस के काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में इन्होंने इस अनोखे अंदाज में यहाँ धरना दिया है। खंडवा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नगर निगम की स्थिति खराब है। खबर इंदौर से, जहां के गांधीनगर इलाके में तेंदुए को लेकर तलाश की जा रही है। नैनोद टीसीएस के साथ साथ 5 जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। तेंदुए के बजाय कुत्ता पिंजरे में कैद हो गया। थर्मल ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। इंदौर वन मंडल की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। कल तेंदुए ने गाय पर हमला कर दिया था और लगातार यहां पर वन विभाग की टीम को चकमा देने में कामयाब है तेंदुआ, पकड़ में नहीं आ रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लंबा समय हो गया है। यहाँ पर 5 जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन कैमरे से भी तलाश की जा रही है, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आ पा रहा है।